कछुए से चमक सकती है आपकी किस्मत, रखे सही स्थान पर। कौन सी दिशा में रखे? किस धातु का कछुआ रखना होता है शुभ? पानी में क्यों रखा जाता है कछुआ? आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलेंगे, बस आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल शुभ विचार पर। हिंदू धर्म में कछुए को हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कछुए को बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप चाहते हैं घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कमी ना हो तो आपको घर में कछुआ रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कछुए की मूर्ति घर में रखने के कई फायदे बताए गए हैं, शुभ माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार यानी कूर्म अवतार कछुए के रूप में था। वही वास्तु शास्त्र में भी कछुए का बहुत महत्व है। कहते हैं घर में कछुआ रखने से सुख समृद्धि आती है। हर कोई अपने जीवन में एक अच्छे समय की तलाश करता है ताकि उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाए, जीवन में समृद्धि बनी रहे और उन्नति के मार्ग खुलते रहे, भाग्य साथ दे ऐसा कि हर कार्य सफल हो। आर्थिक समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए और धन की कमी ना हो, बीमारी दूर रहे और हर तरफ खुशियां हो। अगर आप ऐसी चाहते हैं तो आप भी धातु के कछुए अपने घर ला सकते हैं। क्या आपको अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी की कमी लगती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में सुख संपत्ति की कमी है? अगर हाँ तो आपको अपने घर में कछुआ जरूर रखना चाहिए। दरअसल कछुए को गुड लक का प्रतीक माना जाता है। फेंग शुई पर यदि आप विश्वास करती हैं, तो कछुए को न केवल घर में बल्कि अपने ऑफिस में भी जरूर रखें। हिंदू धर्म में कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान कछुए का रूप लेकर श्री विष्णु ने देवताओं के दुखों और समस्याओं का निवारण किया था। हिंदू धर्म में कछुए को बहुत शुभ माना गया है। कछुए को पानी के कटोरे या छोटे फव्वारे के अंदर रखने से इसके फायदे और प्रभाव बढ़ जाते हैं। वास्तु के अनुसार कछुआ और पानी का संयोजन बहुत शक्तिशाली है और आपके घर और उसके आसपास सकारात्मकता बढ़ाता है। आपको बाजार में अलग अलग रंगों और धातुओं के बने कई कछुए मिल सकते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि वास्तु में कछुए का हर रंग और प्रकार एक अलग ऊर्जा से जुड़ा होता है, जिसके अलग अलग फायदे होते हैं। आइए जानते हैं अलग अलग चीजों के कछुए किन दिशाओं में रखने चाहिए। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धातु कछुआ। धातु का कछुआ घर में रखने से आपकी आयु लंबी होती है, इसके साथ ही घर में बच्चों की बौद्धिक क्षमता तेज होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखा धातु का कछुआ एकाग्रता को बढ़ावा देता है। इसे बच्चों के बेडरूम में उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में रखना लाभदायक होता है। लकड़ी का कछुआ। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में आप लकड़ी का कछुआ रखेंगे तो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इससे घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा, जीवन में खुशियां, सौभाग्य और सफलता मिलेगी। क्रिस्टल कछुआ। क्रिस्टल कछुआ घर के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इसे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रखने से धन लाभ होता है, वहीं उत्तर पश्चिम दिशा में रखने प्रसिद्धि मिलती है। मिट्टी का कछुआ। घर में मिट्टी का वास्तु कछुआ रखने से स्थिरता आती है। जिस घर में ये होता है वहां रहने वाले लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव कम होते जाते हैं। यह आपके जीवन में सद्भाव, शांति, धन और दीर्घायु लाता है। इससे लोगों के अस्त व्यस्त जीवन की स्थिति में भी सुधार आता है। मिट्टी के कछुए को अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखना शुभ होता है। स्फटिक कछुआ भी शुभ होता है। घर में स्फटिक का कछुआ रखने से भी घर में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार का कछुआ घर की सुख समृद्धि के साथ तालमेल बिठाता है।
अगर आप घर में स्फटिक का कछुआ रखते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार यह आपकी तरक्की का कारण बनता है। कछुआ किस दिन खरीदना चाहिए? वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार जैसे सप्ताह के दिनों में कछुआ की मूर्ति खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। क्या घर के मंदिर में रखना चाहिए कछुआ? वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में किसी धातु का कछुआ रखना शुभ होता है। आप क्रिस्टल का कछुआ भी मंदिर में रख सकते हैं। इससे परिवार पर कुबेर व लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। घर धन धान्य से भर जाता है। कछुए को मंदिर में रखने से स्वास्थ्य संबंधी व धन प्राप्ति संबंधी रुकावट दूर होती है। मंदिर में रखे पीतल का कछुआ। अपने घर में पीतल का कछुआ रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसके पैरों को हमेशा पानी में डुबोकर रखें। एक पीतल के बर्तन में थोड़ा पानी डालें और उसमें इस तरह के कछुए को घर के भीतर की तरफ मुंह करके रखें। ऐसा माना जाता है कि कछुआ घर में धन को आकर्षित करता है और भावी जीवन के लिए सफलता के मार्ग खोल सकता है। आप इस तरह के कछुए को घर के मंदिर के पास भी रख सकती है। ध्यान रखें कि कछुए का मुंह हमेशा मंदिर की तरफ ही होना चाहिए। कछुए को पानी में रख रहे हैं तो ध्यान दें कि पानी हर दिन बदले। रिश्तों को बेहतरीन बनाता है कछुआ। अगर आप घर में कछुआ या उसके जोड़े को रखते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते मधुर होंगे। इसके अलावा घर में कछुआ रखने से खुशहाली बनी रहती है, जबकि घर के मालिक की उम्र भी लंबी होती है। अन्य टिप्स। अगर आपको आपसी रिश्तों को मधुर बनाना है तो आपको अपने घर में कछुए की फैमिली को रखना चाहिए। फैमिली में आपको दो से अधिक कछुओं को सेट मिलेगा। घर में धन की कमी ना हो इसके लिए आपको कछुए को किसी डीप प्लेट में पानी और रंगीन पत्थरों के बीच ही रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है और साथ ही इससे लंबी उम्र भी मिलती है। आशा करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ। तब के लिए नमस्कार।